खतरे की घंटी बज चुकी है। आज मैच है मालकोट सुपर लीग का एलिमिनेशन राउंड। अली में एलिमिनेशन राउंड में आपको पता है क्या होता है? क्या टीम हारी वो बाहर। आज पे सब डिपेंड है। आजाद सीसी वर्सेस अजान एसोसिएट्स। मेरी प्रेडिक्शन जो है ना दीवाई, आजाद सीसी जीत जाएगी आज। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ। अब ग्राउंड में जाके मिलता हूँ। हम निकल रहे हैं मास पहन का मास और रेडी सेलिब्रिटी लोग हैं मेरे आपको पता ना बता रहे हैं मालकोट सुपर लीग एलिमिनेशन राउंड। ओह शिट हियर वी गो अगेन। दिल्ली भाई की जो है ना हीरा मैं लाया नहीं यार अपनी ना रीगो समझ रहे हैं खिलाया मगर अगर कभी सीन है। अली भाई आपकी क्या प्रिडिक्शन है? हमने आपकी प्रिडिक्शन ली थी क्या? हाँ भाई ये हम आ गए हैं राशिद लतीफ के ग्राउंड। राशिद लतीफ ने खुद यहाँ घास भी लगाई थी और शाहीन अफरीदी भी एक दिन जो है अपना ग्राउंड बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें आप क्रिकेट चल रही है सामने भाई पहले से पहुंचे मैंने यहाँ पे और भी क्या ले रहा हूँ उसे वही चाय ले रहा हूँ मैं कैसे घूम गया समझ रहा हूँ आप तो ना कैमरे की पीछे बैठे मैंने दी है कि आजाद जीतेगा और अली भाई ने दी है कि दूसरी वाली क्यों जीतेगी। दूसरी वाली का नाम क्या है? आप लोग भी रुक जाओ कमेंट में बताएं आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा भाई बहुत जरूरी है मैच कौन जीत रहा है। अभी तो पहली बैटिंग है और ये आराम इंटरप्राइजेज अच्छा खेल लिया अभी माशाल्लाह से अजान एसोसिएट्स के नाम से खेल लें तो अभी इनके तकरीबन 8 ओवर में 90-95 रन है। सेकंड बैटिंग अभी बाकी है इंशाल्लाह ताला हमारी तो अजान उसके साथ है। अच्छा आप अजान के साथ हैं जी उसमें मेरा भाई खेल रहा है उसमें मेरा जिशान मंगेश भाई है वो भाई बैटिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है आज इंशाल्लाह। तो क्वार्टर फाइनल मैच है लेट्स होप फॉर द बेस्ट और फर्स्ट 10 ओवर्स में 90 रन हैं और ये कमबैक ओवर है तो वी आर स्टिल होपिंग के अंडर 160 हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें तो इट विल बी अ गुड टारगेट टू चेज ऑन और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये आरसी है आरसी में डर लगता है भाई आरसी में क्यों डर लगता है सामान चोरी है सामान क्या बात कर रहे क्रिकेट है यार क्रिकेट में क्या बोले हो ये बात भी सही है बिल्कुल कुछ भी हो सकता है किस पे कर रहे हैं लेकिन आप किसको सपोर्ट किससे कर रहे हो मैं तो अपनी टीम को करूंगा नाम अजान अजान के साथ जीत रही है ना भाई तो मैं आपके साथ हां सपोर्ट करो शाह भाई हां भाई ये मैच कौन जीत रहा है इसका तो कुछ पता नहीं एंड में पता चल जाएगा ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हैं कि वो मगर तुम अपनी टीम को सपोर्ट करोगे ना तुम कौन सी टीम के साथ नहीं हम तो अपनी टीम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं दूसरा भी आया हुआ है खेलने के लिए दोनों टीम से भी जीत जाए क्या है बात तो बिल्कुल मेहनत जो करेगा वही जीतेगा जिसने पाड़ी वही जीतेगा वही जीतेगा बहुत अच्छी बात की है क्या सिचुएशन सर बैच की 12 ओवर 98 थे अभी 13 चल रहा है 3 या 4 आउट हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल है फर्स्ट इनिंग चल रही है लेट्स सी कितना टारगेट क्या लगता है आपको हम तो चाहेंगे 150 तक इनको रिस्ट्रिक्ट करें 150-60 क्योंकि विकेट सीधा है कोई ब्रेक नहीं है तो इंशाल्लाह हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं 5-6 के चेज कर सकते हैं बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में क्या है हमने व्लॉग देखा था मतलब इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई लाइव चल रहा है पूरे पाकिस्तान में 250 करोड़ लोग देख रहे हैं हालांकि पाकिस्तान में 250 करोड़ लोग नहीं लेकिन पूरी दुनिया में 250 करोड़ तो हैं वो देख रहे हैं वो देखें लाइव चल रहा है पूरा मैं आपको दिखाऊँ मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी देखा जा रहा है उमर शायद बोल रहे हैं कि बॉल आ रही है और मैं कैच पकड़ूंगा क्या हो रहा है उमर भाई इस बॉल पे छक्का है डॉट है
पर भाई ग्रेट प्रेडिक्शन यार अबाउट है उमर भाई अगर आउट हो गया ना इस बॉल पे ये वाला वेव के अगले 50 का शॉट के शर्त तक गई है होता है स्टीव जॉब्स जो थे ना मुझे ताया के बेटे थे वो मास्क पहना वाली भाई आईफोन को लेगा फिर भी देख सकें ये देखें इस बॉल पे क्या होगा मैं बता रहा हूँ क्या होगा एक सेकंड जल्दी 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 कैच आउट कौन करेगा ये मैं जल्दी जल्दी इस बॉल पे छक्का है क्या बोला था तुम्हारी शर्ट क्या थी याद दिलाना सबको टाइम जो है ना वो एक कंस्ट्रक्ट है और टाइम जो है ना वो इंसानों ने बनाया एक बॉल पे तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता हमारा हमने जो टाइम जो था ना वो याद करा था उस्मान यासीन लाडा ने तो जो टाइम के अराउंड जो रूल्स है ना लाइक उन पर अप्लाई नहीं होते उस्मान लाडा का सीन ये कि उनने बोला था 11 बजे आ जाएंगे वो तो क्योंकि उनने टाइम इन्वेंट किया था तो टाइम के लॉज ही नहीं होते तो अभी 11:42 हो गए अभी तक वो आए नहीं देखो आप ये इसकी हरकतें देख रहे हैं ये प्रूफ है कि ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम मंकीज लेकिन क्योंकि इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर हुआ था ना तो स्पीड ऑफ लाइट पे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो पागल हो गए थे तो उनका दिमाग जो थे छोटे हो गए थे तो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन स्पीशीज में वो छोटा दिमाग जो होता है ना उसकी पैदावार ये है ये और क्या आउट होगा क्या ये आउट होगा नहीं दिया मैं एक सेलिब्रिटी या किसी मशहूर बंदे का नाम लूंगा और आप लोगों के ज़हन में जो पहला वर्ड आ रहा है ना उनके लिए वो बोल ठीक है गांधी हॉट हॉट लेजेंड बॉल बॉल गंजा बाबर आजम आप बहुत सोच रहे हो यार पहला वर्ड जो दिमाग में आया बोल दो जो आया बोल दो आया घंटा घंटा अरे कप्तान विराट कोहली रमित राजा फ्लॉप ग्रेट हेयर बे यार मैं ये मेरे दिमाग में आया था अच्छा दो मैं बस बताऊंगा नहीं कौन उन तीन बॉयज से दो गे हैं आप लोगों को पता चलेगा ग्रेट हेयर साइड हो दी शाहरुख क्या क्या है नाम क्या है साहिल साहिल लोधी मिचेट बिल्कुल भी नहीं सोचता ये वाला रहा मैंने नाम लिया और तुम लोगों ने बोला तीनों एक साथ बोले सलमान खान काप बिल्डर अबू जी बाप उस सेंस में बाप गुड ड्राइवर गेट गुड ड्राइवर अजीत ब्लॉग्स गुड कंटेंट ग्रेट कंटेंट ब्यूटीफुल कंटेंट मथीरा ब्यूटीफुल
क्या मैं तेरे को ह्यूमरस सॉरी ह्यूमंगस आरसीसी के कैंप में हम जा रहे हैं डगआउट में। अच्छा सुफियान में वैसे पहले तो ये पूछूंगा कि जब बाहर निकले थे लड़कों को बोला क्या? भाई यही बात बोली थी कि पहले हम सोच के आए थे आज इन लोग पहली बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं ना अजान वाले, तो हमने यही सोचा था कि इनको जितना कम हो सकेगा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मेरा माइंड था 155-160 अच्छा टोटल हो जाएगा और चेज़ भी कर लेंगे इंशाल्लाह, पर मेरे हिसाब से 15 रन ज़्यादा है। कोशिश यही कि सबको यही मोटिवेट करके रखा हुआ है कि भाई जो प्लेयर्स हैं हम इन्हीं से ही इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ यही लड़के हैं यही हमें जिताएंगे, अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बकअप करते हुए सबको और बाउंड्रीज लेते हुए चलेंगे बॉल टू बॉल तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अभी तक कोई 174 का टारगेट है ना उस्मान भाई? बिल्कुल 174 का टारगेट है। 16 ओवर तक पिच कहीं भी ना बैठा ना टर्न हुआ, सिर्फ आखिरी की इमरान भाई की और वकार भाई की 2-4 बोले ऐसी थी, पर आपने खुद देखा होगा इस इनिंग की पहली बॉल शरिया शाहिद की पहली बॉल जो बैठी है, बस उस चीज़ का डर है बाकी बिल्कुल पिसी का है। भाई ये अब्दुल राफे सोराठिया हैं, कोई इनका नाम बहुत प्यार से लेता है कभी कभी किसी टूर्नामेंट में, उसी की याद जो 18,600 की मेरे ख्याल से वही आ रही है। तो ये आज़ाद सीसी के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं और टीम में पता नहीं कैसे हैं लेकिन अच्छा खेलते हैं कभी कभी। राफे मैच के बारे में क्या तस्वीर? बस मैच चल रहा है और पहले एजेंसी का पार्ट हुआ करता था, अल्लाह का शुक्र है एजेंसी के कप्तान भी यहाँ मौजूद है एजेंसी का बस जो भी था ये एक छोटी मोटी कोई टीम थी वहाँ परफॉर्म किया मैंने, इसके बाद अल्लाह का शुक्र है प्रमोशन हुआ है। आज मैं मारखोर जैसी लीग खेल रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है और बस दुआ करें कि यहाँ पर मुझे कुछ सेलेक्टर्स देख लें जो मेरा PSL के अंदर हो जाए, बस यही है। ये ऊंचे ख्वाब कब देखना शुरू किया? जब मैं मारखोर के अंदर आया मुझे एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलने को लगी, एक मतलब प्रॉपर किट के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है माशाल्लाह, 15 लोगों ने एक जैसी किट पहनी हुई है, एक आधा कोई चेंज है तो कोई मसला नहीं कह रहे हैं। गाइस इतना बड़ा ख्वाब मैदान ने मारखोर स्टार्ट करते हुए भी नहीं सोचा होगा कभी। हमारा मिशन यही था कि छोटे छोटे बच्चे जो एमेचर प्लेयर्स हैं उनको, हाँ ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से निकलेंगे अभी वो जाएंगे प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको। ये मेरा पहला बैटिंग का मौका मिलेगा आज एजेंसी में, तो आई मीन एस में तो मुश्किल से मिलता था। बस एस को भी फाइनल इंशाल्लाह खिलाया था हमने, इंशाल्लाह आज़ाद को भी खिलाएंगे। आपने तो नहीं खिलाया था, एंड में तो किसी और ने जिताया था ना? आप हाइलाइट्स देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आखिर तक गया कैसे था। अब्दुल बासित जकी और शरिया शाहिद खेल रहे हैं साथ में और 4 शॉट। यार क्या शॉट मारा है, 6 यार 6 ओए होए 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 चार हो गया, एक और 4 तो 2 चौके 1 छक्का 3 चौके 1 छक्का ना, ब्यूटीफुल ओवर आ गया। 7 ओवर 67 स्कोर है। जीत रहे हो? जीत नहीं रहे, बस बैटिंग चल रही है, पहले नहीं हो रहे थे, बासित भाई ने माशाल्लाह कवर कर दिया इंशाल्लाह। इस ओवर में तो पूरे ले लिए तुमने, इस ओवर में 20 आ गए, पिछले में 15 आ गए, अल्लाह का शुक्र है बासित भाई के बल्ले पर अच्छी आ रही है माशाल्लाह। गुड लक, गुड लक करो, इसको जिताना है आज गेम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शॉट 67 for 0 थे 7 ओवर्स में, और ये 4 वो बहुत ही खतरनाक हो गया, टक्कर का मैच चल रहा है। मैच हो रहा है, 48 रन चाहिए, हाँ 42 बॉल्स पे।
यार ये हमारा सबसे फ्लैगशिप इवेंट है जो कि मार्कोर के नाम से होता है, मैदान हम लोग इसको मैनेज करते हैं। दान इट्सेल्फ जो कंपनी थी वो उसका विजन यही था कि जितने भी लोकल टैलेंट हैं उनको हम लोग आगे लेके आए। तो जो जो ये वीडियो देख रहा है कमेंट में आया, जो स्पोर्ट्स खेलता है उनको हमारे साथ वीडियो में आना है, उनके ऊपर ब्लॉग बनाना है, तो हम आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे भाई, ब्लॉग बनाएंगे। अली भाई और मैंने सोचा है भाई फुटबॉल के एक टूर्नामेंट कराएंगे, फुटबॉल की 1v1 टूर्नामेंट। अली भाई अच्छा वो 1v1 का हम लोग सोचे हैं, मगर वो हम लोग आगे की सही तरह वीडियो में बताएंगे। भाई आजाद सीसी को 23 बॉलों पे 24 रन चाहिए और एक और छक्का दे दिया, एक और छक्का दे दिया भाई। 18 रन चाहिए 22 बॉलों पे। और निकल गई, अरे कैच, ओ छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया। फुल टॉस, एक और सिंगल, गलत भाग लिया। राफे ने सैक्रिफाइस कर दी अपनी विकेट, जितने भरम्स आए थे माइनस में वापस जा रहे हैं। एक रन 12 बॉलों पे 12 रन चाहिए भाई। और मुझे लग रहा है आखिरी ओवर खिजर नहीं करना है, ये ओवर खिजर नहीं किया था, सिर्फ 4 रन दिए, 16 रन चाहिए था 18 बॉलों पे। मैच बहुत आराम से जीत सकते हैं आजाद सीसी वाले, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भंड दे दिया ना तो मैच फंस जाएगा। और चार हो गया, अगर नहीं हुआ रोक लिया। सात पे सात, कह रहे हैं आखिरी ओवर में 7 रन भी डिफेंड हो जाएंगे। 5 पे 6, 2 की कॉल है, 2 नहीं भागेंगे या फिर आउट। और 9 रन, रन हो गया और भाग गए, दूसरा भी भाग गए, वेरी गुड हो गया यार। 3 पे 3, बात हो तो गई लेकिन विकेट भी लग क्यों हुआ है ना। नहीं, 2 बॉलों में 3 रन चाहिए, एक बंदा जो स्ट्राइक पे था और फॉर्म में था, बैट चल रहा था, वो आउट हो गया है, नया बैट्समैन आएगा, बॉलर बहुत तगड़ा है। अजान एसोसिएट्स ने मैच एंड में आके पलट दिया, पूरा मैच आजाद सीसी ने डोमिनेट किया, अगर मैच यहाँ से आजाद सीसी हारती है तो लानत है। टूट गई है और विकेट से कोसों दूर होते हैं भाई, विकेट कहाँ आई, दिखा दो जरा यार, क्या मैच पतेरी लग गई तो लग गई। हाँ वरना मैच तो क्या, मैच पकड़ लिया ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बॉलों में 3 रन चाहिए, क्या लग रहा है अभी? 50-50 है थोड़ा सा। नहीं यार मेरे ख्याल से तो पकड़ लिया है, इंशाल्लाह देखते हैं आपके क्या सीन है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है। नहीं नहीं मुश्किल नहीं, ये नहीं बोलो मुश्किल है भाई, दोनों तरफ है मैच, बन जाए दोनों तरफ, पकड़ लिया है मैच यार, कुछ भी हो सकता है बॉल पे भाई, तो उसको बस एम करना है विकेट का। और निकल गई, एक रन, एक बॉल पे 2 रन चाहिए, मैच ड्रॉ हुआ तो सुपर ओवर होगा, मेरे ख्याल से तो सुपर ओवर होना चाहिए, अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होगा। कुछ भी हो सकता है इस बॉल पे, विकेट भी हो सकती है, कतरी भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल हुआ पता नहीं क्यों लग रहा है हमारी तरफ आएगी। हाँ पता नहीं यार, और वो रोक दिए इन्होंने भाई। अबे भाई बहुत खतरनाक मैच पुल ऑफ किया अली भाई, ये बनता है यार। अली भाई क्या 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 मैच पुल ऑफ किया है यार, माशाल्लाह से। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वॉइस की एफर्ट है, शुरू में थोड़े से डिले थे लेकिन ये है कि एक्सलेंट कमबैक किया माशाल्लाह। अली भाई मेरे ख्याल से 17 ओवर तक मैच आप लोगों के हाथ में नहीं था। एग्जैक्टली ऐसे ही है, 15 ओवर तक ही मैच खत्म हो चुका था, क्योंकि 30 में 40 रन T20 की निस्बत कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल 7-8 की एवरेज कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बॉयज़ ने बहुत अच्छा किया और खिजर को लाजमी बात है हेड्स ऑफ है वाकई में। उसने मुझे लास्ट ओवर से पहले बोला कि मुझे 5 या 6 रन बचा दें जी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं आपको 6 रन बचा के दूंगा, और बचा दिया, और उस बच्चे ने बचा के दिए माशाल्लाह से। टोटल क्रेडिट गोट्स फेम, सेमीफाइनल में पहुँच गए।
फ्रॉम माखोर सुपर लीग सीजन 5 का क्वार्टर फाइनल अजान एसोसिएट्स ने आज़ाद सीसी को नेल बाइटन फिनिश में हराया है। और प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स देखते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।